जैसे आपने देखा होगा इतना सारा स्टूडेंट इकट्ठा हो रखा, तो इसमें मोस्टली क्या है हमारा कि जो UKPSC के द्वारा एक एग्जाम करवाया जाता है, संयुक्त कनिष्ठ अभियंता परीक्षा, ये भर्ती लास्ट टाइम में आपकी 2013 में आई थी, तो इसके लिए कंटिन्यू हमने 2.5 साल आंदोलन किया, तब जाके ये भर्ती निकली थी आपकी नवंबर 2021 में। और इस अध्याचन में जैसे सर इन्होंने हमें जो कमिटमेंट किया था गवर्नमेंट के एंड पे कि जो भर्तियों की संख्या थी वो 1000 के आसपास थी, तो विज्ञापन निकलने से जस्ट एक दिन पहले इसमें क्या किया गया कि इरिगेशन के 228 पदों को कम कर दिया गया। उसको लेके हम सतपाल महाराज जी से उसी दिन मिले जिस दिन विज्ञापन के, सर आपने कहा था कि ये सारी वैकेंसी आएंगे, आपने 228 पद क्यों हटा दिए। उसके बाद लगातार उनसे मिलते रहे, उसके बाद फिर हमने इलेक्शन का टाइम आ गया, उसके दोबारा हम उनसे मिले, सीएम साहब को भी चंपावत इलेक्शन में, और जहां जहां हमें मौका मिला ज्ञापन दिलवाया उन्हें मिले, सतपाल महाराज जी से भी मिले, सचिव साहब से जो इरीगेशन सचिव है उनसे भी मिले जाके, और उत्तराखंड के लगभग 25 से 30 विधायकों से उनके लेटर हेड पे लिखवा के सीएम साहब से रिक्वेस्ट करवाई कि ये जो 228 इरीगेशन की वैकेंसियां हैं ये इसमें ऐड कर दी जाए। तो सर हम पिछले 3-4 महीने से कंटिन्यू लगे हैं लेकिन इसमें कोई प्रोसेस नहीं हुई है, तो अब हम मजबूर हैं रैली धरना करने के लिए, इसलिए सारे छात्र यहाँ पे आ रखे हैं। तो हम सरकार से हमारी आज फर्स्ट वार्निंग है कि अगर गवर्नमेंट इस वैकेंसी को इसमें ऐड कर देती है तो हम फिर घर चले जाएंगे, नहीं करती तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आ रखे हो आमरण अनशन पे बैठने के लिए तैयार, क्योंकि उनके पास सर चारा नहीं, वो 8 साल से तैयारी कर रहा है। आज का क्या कार्यक्रम आज का हमारे दूर से आए अपना टाइम निकाला और उम्मीद है आगे तो बोले तो आप इसी एनर्जी के साथ जुड़े रहोगे। और वही बारे में अगर ये लगता है हमें कि ऐसे झूठा आश्वासन नहीं और इसमें चीजें वैसी है तो फिर हमें करना पड़ेगा। पहली बता दूंगा मजबूरी हमारी है, तो हम नहीं सोचेंगे तो कोई दूसरा क्यों सोचेगा। फिर गवर्नमेंट को कभी सोचने के लिए प्रैक्टिकल हुआ, जब तक आप जाग नहीं करो करो 10 बार जाना पड़ता है, उसके बाद फिर देखना पड़ेगा जो भी होगा इसमें शेड्यूल आगे का बनेगा। थैंक यू सभी का।